अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, हमने उसमें पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से बनता है, वो रबिंग के प्रोसेस के थ्रू हमने पढ़ा था, रगड़ने के अमल के ज़रिए। उसमें हमने पढ़ा था जब डिफरेंट मटेरियल्स के साथ डिफरेंट मटेरियल को रब किया गया था तो उनमें ऑपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे, बिकॉज उन दोनों में क्या हो रही थी, अट्रैक्शन हो रही थी। देन हमने देखा था जब सिमिलर मटेरियल्स को सिमिलर चीज़ों के साथ रब किया गया था तो उस पर सेम चार्जेस आए थे और सेम चार्जेस की वजह से उसमें रिपल्शन हो रही थी। ठीक है, अब ऊपर जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी उसमें क्या था, क्या हमें वहाँ से पता चला, यहाँ से हम देखते हैं। दीज ऑपोजिट चार्जेस आर कन्वेंशनली कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उन्होंने कहा कि जो ऑपोजिट चार्ज है ना उसको कन्वेंशनली कहते हैं रस्मी तौर पे, मतलब शुरू से बस होता जा रहा है तो इसी तरीके से चल रहा है, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनका नाम दिया गया। इसकी कोई खास रीज़न नहीं है, बस एवं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग, रगड़ने के दौरान नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, जब इसको हम रगड़ेंगे तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे आ जाएगा। ठीक है, इस बॉडी पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो हमने ऊपर एक्टिविटीज़ पढ़ी थी उससे हमने कौन सी बातें कंक्लूड की, ये 5 थिंग्स हैं। पहली, चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी। चार्ज जो है वो किसी मटीरियल बॉडी की एक बेसिक खूबी या खसूसियत है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट अट्रैक्ट्स, ये खींचती है, और रिपेल्स या धकेलती है एन अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, या ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे, या दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, या तो अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा था ना व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज पे आप यही लिखेंगे, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी, ये चार्ज है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। फ्रिक्शन जो है, रगड़ जो है, वो दो तरह के चार्जेस प्रोड्यूस करती है ऑन डिफरेंट मटेरियल, मुख्तलिफ मटेरियल पे, सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। जैसा कि ग्लास एंड प्लास्टिक में डिफरेंट चार्जेस प्रोड्यूस हुए, हमने कल एक्टिविटी में भी देखा था। फिर लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब है एक जैसे चार्जेस, मतलब अगर दोनों बॉडीज़ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दो बॉडीज़ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल कहते हैं दफा करना, धकेलना। फोर्थ पॉइंट है, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, लेट्स सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आगे, रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। बच्चों, अगर आपने किसी बॉडी पे मालूम करना हो कि क्या इस बॉडी में कोई चार्ज मौजूद है या नहीं, तो रिपल्शन जो है ना, रिपल्शन कन्फर्म करती है कि इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं, अट्रैक्शन से कन्फर्म नहीं होता। वैसे अट्रैक्शन भी हो तो चार्ज होता है, लेकिन एक जो कन्फर्म टेस्ट है ना जिसपे हम 100% रिलाई कर सकते हैं, श्योर टेस्ट जो है, वो रिपल्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, उस पर चार्ज है, हमें नहीं पता कि उस पर चार्ज है या नहीं, हम उसके करीब डिफरेंट बॉडीज लेकर आए, लेट्स सपोज हम एक बॉडी लेकर आए, मे बी उस पर भी पॉजिटिव हो, इधर क्या स्टार्ट होगी, इधर रिपल्शन स्टार्ट होगी, तो इससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि इस बॉडी पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं आपने 5 पॉइंट्स एक्टिविटीज़ के साथ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन समझते हैं, इसमें एक्टिविटीज हम लोग करेंगे। इसमें ये होता है, एक चार्ज बॉडी होती है, चार्ज बॉडी से मुराद ये है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। एक बॉडी होगी जिस पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद होगा, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और इट कैन बी आइदर नेगेटिव। ठीक है,
अब आपके पास एक इंसुलेटेड कंडक्टर है। इंसुलेटेड कंडक्टर से मुराद यह है कि फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर से बना है, वो रबड़ के ऊपर पड़ा हुआ है, ये रबड़ के स्टैंड के ऊपर रख दिया, तो इसको कहेंगे इंसुलेटेड कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर हो गया। अब ये जो इंसुलेटेड कंडक्टर है इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल बॉडी पे आपको पता है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, जितने पॉजिटिव इसके अंदर होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर मौजूद होंगे। इस तरीके से ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, चार पॉजिटिव मैंने बना दिए, चार नेगेटिव बना दिए। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऐसा तरीका कार है जिसमें एक बॉडी चार्ज हो जाती है इंडक्शन के अमल के जरिए। इंडक्शन कहते हैं इंड्यूस करना। अब होता क्या है कि जब ये आपके पास इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर में के करीब एक चार्ज बॉडी लेकर आई जाती है। फॉर एग्जांपल चार्ज बॉडी जो है वो फर्ज कर लेते हैं वो एक पॉजिटिव बॉडी थी, ये एक बॉडी थी जिस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हमने इंसुलेटेड कंडक्टर के करीब लेकर आए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है लाइक चार्जेस जो हैं, एक जैसे चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होंगे उसको ये जो है ये रिपेल करेगा, तो नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, सॉरी ऑपोज सेम चार्जेस को रिपेल करता है, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको वो दूर धकेलेगा, तो यहाँ पे आके चारों पॉजिटिव चार्ज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्योंकि नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे तो इस तरफ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे। अब बच्चों हुआ क्या कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, जब एक चार्ज जिस्म की मौजूदगी में किसी दूसरी जो इंसुलेटेड कंडक्टर है उसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज और एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज के प्रोड्यूस होने के अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप डेफिनेशन देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी की मौजूदगी में एन इंसुलेटेड कंडक्टर डिवेल्प्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड, एक इंसुलेटेड कंडक्टर एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प कर लेता है एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड, और दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज डिवेल्प कर लेता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इस अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है और इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन भी कहते हैं। ये वाली लाइन देखें डायग्राम के बिल्कुल ऊपर वाली, इन दिस प्रोसेस इस अमल में एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अपीयर ऑन ईच मेटल सरफेस, दोनों मेटल की सतह पे, बल्कि ये मैं आपको एक्टिविटी से करवाऊंगी, अभी आप अपना ही देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में भी टू एक्टिविटीज हैं, हम ये दोनों एक्टिविटीज पढ़ेंगे। आज हम पहली एक्टिविटी पढ़ते हैं, देखें ये जो एक्टिविटी है ना, इससे मैंने अभी आपको बताया था कि रिपल्शन शोर टेस्ट है बट अट्रैक्शन इज नॉट अ शोर टेस्ट, इस एक्टिविटी से आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी। देखें इसमें उन्होंने कहा है इफ़ वी ब्रिंग चार्ज्ड प्लास्टिक रोड, आपने एक चार्ज्ड प्लास्टिक रोड लेनी है, ये देखें ये एक चार्ज्ड प्लास्टिक रोड है जिस पे हम फर्ज कर लेते हैं कि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसमें मौजूद है। ओके आगे, नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रोड, एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम रोड है वो आपने उसके करीब लेकर जानी है जिसको लटकाया गया। लेट सपोज कि ये एक धाग है, ये ऊपर सपोर्ट है, इसके साथ एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम की रोड लटकाई गई है और इसके करीब हम प्लास्टिक रोड लेकर आए हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, ये इसके जिस तरफ लेकर जाएंगे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी और इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है बट इस पे बॉडी पे एज अ होल जो चार्ज है वो जीरो है, क्योंकि देखिए चार पॉजिटिव चार्ज है, चार ही नेगेटिव है, तो चार्ज इसमें एज अ होल ये बॉडी पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो इससे पता चलता है कि अट्रैक्शन जो है वो शोर चार्ज नहीं है, जस्ट उसने इसमें इंड्यूस किया और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बेसिकली इस अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं बट ये बॉडी पे चार्ज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही। देखें द अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज एंड अनचार्ज रोड,
अनचार्ज रोड कौन सी है, एल्यूमिनियम, और चार्ज रोड कौन सी है, प्लास्टिक वाली. शोज एज इफ बोथ रोड्स हैव अनलाइक चार्जेस. इससे दिमाग में आता है कि शायद दोनों रोड्स पे ऑपोजिट चार्जेस मौजूद हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रही है, बट दिस इज नॉट ट्रू. लेकिन ये दुरुस्त नहीं है. चार्ज प्लास्टिक रोड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द न्यूट्रल एल्यूमिनियम रोड. चार्ज प्लास्टिक रोड जो है वो न्यूट्रल एल्यूमिनियम रोड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर लेती है. एक तरफ पॉजिटिव को धकेल देती है, एक तरफ नेगेटिव को धकेल देती है. बट द टोटल चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम रोड इज स्टिल जीरो. लेकिन टोटल रोड चार्ज जो है वो अभी भी जीरो है. इट इम्प्लाइज डैट, इससे पता चलता है अट्रैक्शन इज नॉट द शॉर्ट टेस्ट टू चार्ज ऑन अ बॉडी. तो अट्रैक्शन कन्फर्म चार्ज नहीं, कन्फर्म टेस्ट नहीं है जिससे पता चले कि बॉडी चार्ज है या नहीं. या आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि अट्रैक्शन इज अ शॉर्ट टेस्ट नहीं है, बल्कि रिपल्शन इज अ शॉर्ट टेस्ट. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह कल हम इसकी सेकेंड एक्टिविटी करेंगे. अल्लाह हाफिज़.